हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम जाने वाले हैं डॉली भाई की टपरी पे, तो मैं रेडी हो जाता हूँ, फिर हम निकलते हैं। भाई घर से मेट्रो स्टेशन कुछ ही दूरी पर है, इसलिए हम पैदल ही चल लेते हैं। तो चलिए हम जाते हैं डॉली भाई की टपरी पे उनसे मिलने के लिए। तो दोस्तों, टिकट हमने ले ली है। क्या नहीं दिख रहा, ये देखो। हाँ, तो टिकट हमने ले ली है और मेट्रो का इंतज़ार हो रहा है। तो फाइनली हम लोग मेट्रो में बैठ चुके हैं और जो आप नज़ारा देख रहे हैं वो कॉटन मार्केट का है। काफ़ी मस्त लग रहा है भाई। बर्डी के मेट्रो स्टेशन से 15 मिनट लगता है डॉली भाई की टपरी के पास जाने के लिए, और बर्डी पहुंचने के बाद हम लोग ऑटो पकड़ेंगे और ऑटो से सीधा जाएंगे डॉली भाई के पास। तो हम लोग बर्डी पहुंच चुके हैं और अब चलते हैं, ऑटो लेते हैं। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं डॉली भाई की टपरी पे, लेकिन बहुत अफसोस है कि वो यहाँ पे है नहीं, वो कहीं गए हुए हैं। तो उनके भाई है, तो हम चाय टेस्ट करके देखते हैं और बताते हैं आपको कि चाय का टेस्ट कैसा होता है और इतना दीवाना क्यों है लोग यहाँ पे। देखो, अभी भी कुछ 4-5 लोग खड़े हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि हमको डॉली भाई से मिलना है। तो हम भी देखते हैं, हम भी मिलने के लिए आए हैं इतने दूर से। यार बहुत दूर है, हमको 1 घंटा लग गया यहाँ पर आने में। देख सकते हो ये डॉली भाई की शॉप है और ये इनके भाई जी खड़े हैं। तो हमने चाय ले ली है और टेस्ट कर बताते हैं आपको कि कैसा टेस्ट है इसका। तो चाय का टेस्ट तो हमने देखा, काफ़ी ठीक ठाक ही था। मतलब जैसे नॉर्मल चाय पीते हैं हम लोग बाहर से, वैसे ही टेस्ट था। यार इतना दूर आने का कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ, डॉली भाई भी नहीं दिखे। लेकिन इस बात का अफसोस नहीं है, हमने आपसे प्रॉमिस किया था तो मैंने डाल दिया वीडियो, आपको दिखा दिया डॉली भाई की टपरी। तो इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, क्योंकि आपके लिए ही हम आए हैं इतना दूर। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।